सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय बचपन अंडर 13 फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हो गया। समापन अवसर पर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर डीजी ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 3 दिवसीय प्रतियोगिताओं के दौरान शिमला फुटबॉल संघ की टीम विजेता तथा ऊना फुटबॉल संघ की टीम उप विजेता रही। शिमला फुटबॉल संघ के अक्षित को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तथा सोलन जिला फुटबॉल संघ के हर्षित को बेस्ट गोलकीपर के पुरस्कार से नवाजा गया। मार्च पास्ट में सोलन जिला फुटबॉल संघ को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर डीजी ठाकुर ने कहा कि खेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है तथा हमें अपने जीवन में किसी न किसी खेल से अवश्य जुड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिवेश में युवा पीढ़ी विभिन्न प्रकार के नशे का सेवन कर अपने भविष्य को बर्बाद कर रही है, जो कि चिंतन व चिंता का विषय है। उन्होंने फुटबॉल संघ के पदाधिकारियों एवं स्थानीय लोगों को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से लोगों में आपसी सौहार्द तथा आपसी सहयोग की भावना सुदृढ़ होने से राष्ट्र एकता एवं अखंडता को बल मिलता है। आज के परिवेश में आप देख रहे हैं समाज में कितनी बुराइयां फैली हुई हैं। बच्चों को अपने राह से भटकाने के लिए नशा है, बुरी आदतें हैं। बच्चे यदि खेल खेलेंगे तो उनका पढ़ने में भी मन लगेगा, उनका ध्यान बुरी आदतों की ओर नहीं जाएगा और वो अपने जीवन में जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं वो लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। आयोजकों के लिए तो मैं बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आज वो इस प्रकार के यदि कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करते हैं, इस प्रकार की प्रतियोगिताओं को वो आयोजित करते हैं, तो वो बच्चों के लिए एक सही दिशा देने का प्रयास कर